नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब? होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज, हम एज अ पेरेंट्स आजकल बहुत ज़्यादा परेशान हैं बच्चों को टीवी देखने से लेकर के मोबाइल देखने से लेके, और आजकल तो ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं। जब से एक वायरस की प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो गई हैं, तब से हमारा ऑनलाइन क्लासेस हो रहा है हमारे बच्चों का। तो क्या हो रहा है कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्क्रीन पे दे रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वो लोग लैपटॉप देखते हैं, मोबाइल पे काम कर रहे हैं, बिकॉज उनकी क्लासेस चल रही होती है, फिर उनका होमवर्क भी उसी के थ्रू हमें भेजना होता है, फिर वो एंटरटेन भी कैसे करेंगे? वो तो मोबाइल या टीवी कुछ तो देखेंगे ही देखेंगे, बिकॉज अभी उनको हम बाहर भी नहीं भेज रहे, बहुत कम भेज रहे हैं, तो वो करें कैसे? बहुत सारे लोग वीडियोस डाल रहे हैं यूट्यूब पर कि आप ये कर लो बच्चा टीवी देखना छोड़ देगा, आप वो कर लो बच्चा मोबाइल देखना छोड़ लेगा, बट रियलिटी है बच्चा मोबाइल और टीवी छोड़ता नहीं है। टाइम भले ही कम कर देंगे कि चलो हम उसको थोड़ी देर के लिए इंगेज कर दें किसी और गेम में, किसी और चीज़ों में, तो बच्चा थोड़ा कम टीवी देखता है, थोड़ा कम मोबाइल देखता है, बट वो ये सब छोड़ता नहीं है। इसका रीज़न है गाइज कि या एक तो बाहर नहीं जा रहा है, तो वो करेगा क्या? होमवर्क करने के बाद उसको चाहिए थोड़ा सा फ्रेश होने के लिए, अपने दिमाग को कूल करने के लिए, तो हम उसको टीवी देते हैं। दूसरी चीज़ है गाइस कि हम एज अ पेरेंट्स ही बहुत मोबाइल यूज़ करते हैं, टीवी देखते, हमारा फेवरेट शो आ रहा होता है, या फिर हमें मोबाइल पे ही बहुत सारा काम होता है, लैपटॉप पे हमारा बहुत सारा काम होता है, तो हम जब खुद ही स्क्रीनिंग में इतना टाइम देते हैं तो फिर हमारे बच्चे क्यों पीछे रहेंगे? वो भी उतना ही टाइम देते हैं गाइस, वो भी देखते हैं जब मेरे मम्मा पापा ऐसा करें तो हम क्यों नहीं कर सकते। और तीसरी बात होती है गाइस, जैसे कि हम एज अ हाउस वाइफ हैं, हमें अब अपना भी तो काम करना होता है। अगर हम अपना काम करने चले जाएं तो हमें ये टेंशन लगी रहती कि अब बच्चा पता नहीं क्या कर रहा होगा दूसरे रूम में, तो इस कारण से भी हम थोड़ी देर के लिए उसको टीवी देखने बिठाते कि चलो पता होता है कि चलो अब वो टीवी देख रहा है, तब तक हम किचन का ये काम निपटा के आ जाते हैं या फिर बाथरूम का ये काम निपटा के आ जाते हैं। मेरे साथ यही होता है गाइज, क्योंकि अब मैं बाथरूम का ही कपड़े धोने, मेरे हस्बैंड चले गए ड्यूटी, तो आप बताओ कि कौन नज़र रखेगा बच्चों के ऊपर, वो क्या कर रहे हैं, दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। आजकल के बच्चे का कोई भरोसा होता नहीं है, तो इस टाइम पे मुझे थोड़ी देर के लिए इसको टीवी देना ही होता है कि चलो ठीक है हाफ एन आवर तुम टीवी देख लो, इससे कम कोई बच्चा नहीं देखता। कितने भी यूट्यूब पे वीडियोस आ रहे हैं ना कि आप ऐसा कर लो बच्चा टीवी देखना कम कर देगा, वैसा कर लो, कुछ काम नहीं आता है गाइस, बस देखते ही देखते हैं। अब प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम आ रही है उनके आईज को लेकर के गाइस, ठीक है। वो इतना ज़्यादा स्क्रीनिंग करने लगे, हम बड़े भी इतना ज़्यादा लैपटॉप टीवी मोबाइल में लगे हैं कि हमारे आंखों में जलन होना स्टार्ट हो गया, आंखों से में इचिंग होना स्टार्ट हो गया, बच्चों के साथ ये होना स्टार्ट हो गया था। तो फिर मैं जो आजकल अपने बच्चों के साथ कर रही हूँ जिससे कि मुझे फ़ायदा मिल रहा है, मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ वो शब्द शेयर करती हूँ कि आप अगर वो सारी चीज़ें करोगे तो डेफिनेटली आपका बच्चा अगर स्क्रीनिंग कर भी रहा है, ज़्यादा टीवी देख भी रहा है, या फिर लैपटॉप पे स्वाभाविक है क्लास चल रही है तो करेगा ही करेगा, तो प्रॉब्लम नहीं आएगी गाइस, उसके आईज पे उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आइए गाइस फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और हाँ, अगर वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज इसको एक लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, बहुत सारे पेरेंट्स को शेयर कीजिएगा गाइस, क्योंकि इस प्रॉब्लम से ना, मुझे लगता है ये आईज वाली प्रॉब्लम से ना, मुझे लगता है हर एक फैमिली, हर एक घर में कोई ना कोई परेशान जरूर है, तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा गाइज, और हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा गाइज। तो चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारे सारे वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि सारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल सके। गाइज मैं अपने बेटे का रूटीन जो उसके आईज को लेकर के मैं प्रॉपरली करती हूँ, ये मैं मॉर्निंग से आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि वो सुबह उठते के साथ क्या करता है अपने आईज के लिए, अपनी स्किन के लिए, एवरीथिंग के लिए वो क्या करता है। बेसिकली अपने आईज के लिए मैं बताऊंगी, उसके आईज के लिए हम आजकल उसके लिए क्या कर रहे हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ गाइस। तो जो रुद्र सुबह उठते के साथ करता है, जैसे ही उसकी नींद खुलती है गाइस, नींद खुलते के साथ वो
एक ग्लास ल्यूक वार्म वाटर पीता है, हल्का सा गुनगुना वाटर उसको चाहिए ही चाहिए। ये हैबिट मैंने उसको बहुत पहले से लगाई हुई, जब मुझे लगता है वो मतलब जब से वो वाटर पे आ गया 6 मंथ के बाद से उसको ये हैबिट हमने लगा दिया है कि आप थोड़ा ही पानी पियो, पर पानी ज़रूर पियो। और ठंड का मौसम आ गया है यहाँ पे, तो हम उसको गुनगुना वाटर ही देते हैं, बट पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मॉर्निंग में पीने के लिए। नेक्स्ट चीज जो वो करता है, वो बेड पे ही ये काम करता है, वो है अपने हैंड को ऐसे रब करता है, बहुत तेज तेज रब करता है, और ये करने में से बहुत मजा भी आता है। बिल्कुल इस तरह से तब तक रब करता है जब तक इसमें गर्मी ना आ जाए, तब तक ऐसे यूं रब करता है एंड अपने आईज पे इस तरह से लगा करके 2 सेकेंड मतलब थोड़ी देर रब करके एंड उसके बाद धीरे से हटा लेना है। ये प्रोसेस कम से कम वो 2 से 3 बार करता है, ज्यादा नहीं, बस 2-3 बार वो करना उसको बहुत ज्यादा पसंद है। इससे फायदा क्या होता है, जो आंखों में वॉर्म आता है ना, ये बहुत ज्यादा अच्छा होता है। ये आंखों के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज भी है, जो मॉर्निंग में करना बहुत ज्यादा जरूरी है गाइस। ये एक्सरसाइज मैं पहले नहीं करती थी, बस हाल फिलहाल ही अभी 1 मंथ से मैंने स्टार्ट किया है ये एक्सरसाइज करवाना अपने बेटे को। ये एक्सरसाइज पता है क्या, मैंने देखा मेरे नाना जी जो थे वो करते थे मॉर्निंग में उठते के साथ ये, मतलब पानी पीने से पहले भी वो ये करते थे, बट रुद्र को पानी पीने की चूंकि हैबिट है तो पहले पानी पी लेता उसके बाद ये एक्सरसाइज करता है, बट ये बेड पे करता है, ब्रश करने से पहले करता है, ये जरूर कर लेता है। उसके बाद जब वो ब्रश करने जाता है गाइस, तो एक चीज अभी मैं उसके साथ इंक्लूड कर दिया है, वो है ब्रश करने के बाद पानी से लेकर के आंखों में हल्का सा पानी डालना, वो जो छींटा मारना कहते हैं आंखों में, वो प्रोसेस करना। गाइस आपने देखा होगा कि बहुत सारे बुजुर्ग लोग जो हैं वो ये एक्टिविटी सॉरी ये एक्सरसाइज ही कह सकते हैं इसको, ये हमेशा करते हैं, ठीक है। ब्रश करने के बाद वो अपने आंखों को पानी से क्लीन जरूर करेंगे, मुंह में पानी भरेंगे, कुल्ला भरेंगे अच्छे से पानी एंड आंखों पे मारना स्टार्ट करेंगे। ये करना बहुत ज्यादा जरूरी है, इससे बहुत ज्यादा फायदा मुझे भी हुआ है, रुद्र को भी हुआ है, मतलब मेरे हस्बैंड को, सबको हुआ। बिकॉज हो क्या रहा था कि हमें इचिंग होना स्टार्ट हो गई थी आईज में, मेरे साथ ऐसा प्रॉब्लम हो गया था कि शायद कुछ ज्यादा ही मैं टीवी लैपटॉप ये वगैरह यूज कर रही थी तो इचिंग होने लग गई थी, बट मॉर्निंग में जब से हमने ये स्टार्ट किया है ना कि ब्रश करने के बाद पानी डालने वाला काम जब से स्टार्ट किया, तब से हमें ये प्रॉब्लम आना बंद हो चुका है गाइस। रुद्र को भी जब भी कभी ऐसा होता है तो वो सुबह तो पानी मारता ही है, जब भी उसको लगेगा कि बस वो खेल के आया है, आंखों में कुछ चला गया है, तो उस टाइम पे भी वो वही पानी वाला काम करता है, या फिर जब भी उसको लगता है कि उसकी आंखों में हल्की सी भी जलन हो रही है तो वो वही पानी वाला पानी को मुंह में थोड़ा सा लेता है और बाकी छींटा मारता है गाइस, ठीक है। तो ये करना बहुत अच्छा होता है, अभी खास करके जब हम अपने बच्चे को हमेशा लैपटॉप दे रहे हैं क्लास करवाने के लिए, होमवर्क भी सेंड करवाने के लिए, सब कुछ करने के लिए तो हमें लैपटॉप मोबाइल की जरूरत पड़ती है गाइस। तो हमें ये 2 चीज जरूर फॉलो करना चाहिए, एक तो पाम को रब करना और ऐसे एक्सरसाइज करना, और दूसरा है पानी आंखों पे छींटा मारना। उसके बाद जो वो करता है नंबर 4 में आता है गाइस, ब्रश कर लिया उसने, उसके बाद वो जब बाथरूम से आया, आने के बाद थोड़ी देर के बाद वो बस हमारे पीछे ही ना बहुत सारी घास है, ग्रास बहुत सारे हैं, तो वहां पे वो थोड़ी देर खाली पैर चलेगा, थोड़ी ही देर, मुश्किल से 5 मिनट ही चलेगा, बट चलेगा जरूर। अब इससे फायदा क्या है कि सुबह उठते के साथ उसको आसपास ग्रीन ग्रीन सब कुछ दिखने को मिलता है, नीचे पाँव के नीचे घास पे चलने से पता है क्या, डॉक्टर्स लोग भी बोलते थे कि अगर आप खुद भी घास पे चलोगे, बच्चों को भी घास पे चलाओगे तो आंखों में होने वाली प्रॉब्लम्स दूर हो जाएगी, आपको आईस मतलब जो रोशनी जो दिखने की प्रॉब्लम होती है बहुत सारे लोगों को, वो कम हो जाएगी अगर आप घास पे चलोगे तो। तो 5 मिनट वो घास पे जरूर चलता है, अभी हमने इसके इंक्लूड कर दिया है उसके रूटीन में, तुम 5 मिनट ही चलो, बस चलो जरूर, और उसको अच्छा लगता है मॉर्निंग में चलना। उसके बाद जब वो आता है घर तो हम उसको जो ब्रेकफास्ट देते हैं गाइस, तो अब कोशिश होती है कि ब्रेकफास्ट उसको ग्रीन चीज ही ज्यादा मिले, ग्रीन वेजिस वाला ब्रेकफास्ट उसको मिले, या फिर कुछ कुछ ऐसा मिले जिससे कि
आंखों की रोशनी तेज हो जाए। अगर वो कुछ फ्रूट्स खाना चाहता तो हम उसमें कैरेट जरूर इंक्लूड करते हैं, उसको भिंडी बहुत पसंद है तो भिंडी इंक्लूड किया, जो उसको पसंद हो मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में तुम वो खाओ, बट हम ध्यान देते हैं कि उसको ग्रीन वेजेस जरूर मिले, आंख जिसे सही होता हो, जैसे कैरेट हम खा लेते हैं, पालक खा लेते हैं जिसे आंखों की रोशनी बढ़ती है, तो इस तरह की चीज़ें ज़रूर इंक्लूड करें उसके डाइट में। गाइस डाइट पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम बच्चे को अभी क्या खिला रहे हैं। दालें इंक्लूड कीजिए, फिर जैसे आंवला का मुरब्बा उसको बहुत पसंद है ना, एंड आंवला हमारे स्किन के लिए, आइज के लिए, हेयर के लिए बहुत अच्छा होता है, तो वो मॉर्निंग में एक आंवला का मुरब्बा ज़रूर खाता है। आंवला का आप जेली भी रख सकते हो, या आंवला का कुछ जो भी आता हो बनाने, अगर कुछ भी नहीं आता तो पतंजलि का आंवला एलोवेरा जूस आता है, वही एक चम्मच बच्चे को पिला दीजिए, वो भी आइज के लिए बहुत अच्छा होता है। तो बस लेकिन आंवले का कुछ भी चीज़ ज़रूर इंक्लूड कीजिए, विटामिन सी से रिलेटेड फूड फ्रूट्स जो भी आप कर सकते हैं वो इंक्लूड कीजिए, जो उसके आइज़ के लिए, उसके स्किन के लिए, उसके हेयर के लिए, सब कुछ के लिए बहुत अच्छा, उसके ब्रेन के लिए सब कुछ उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो आप देखो कि आप बच्चों के प्लेट को चेक करना स्टार्ट करो कि आप जो बच्चे को खिला रहे हो उसके लिए कितना फ़ायदेमंद है, ठीक है। ये तो गाइज मैंने उसके ब्रेकफास्ट तक का रूटीन आपको बताया जो हमने स्टार्ट कर दिया है उसके साथ आइज प्रॉब्लम को से लेकर के। उसके बाद जो हम सभी को अपने बच्चों के रूटीन में इंक्लूड करना चाहिए वो है बाहर खेलने जाना। थोड़ी देर के लिए ही तुम जाओ, आप देखते रहो, आप भी जा सकते हो अपने बच्चों के साथ जिस टाइम पे मॉर्निंग में धूप आई हुई रहती है 10 बजे से लेकर के 4 बजे तक, क्योंकि अभी बहुत सारे जगहों पे या तो ठंड आ चुकी है या फिर आने वाली है, जैसे हम कश्मीर में पोस्टेड यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड आ चुकी है ऑलरेडी, तो हम शाम में अपने बच्चे को तो बाहर भेजते नहीं है खेलने के लिए, बट दोपहर में 10 से 4 बजे के बीच में तुम जब भी जाना हो 1 घंटे के लिए तुम बाहर ज़रूर जाओ। तो मैं थोड़ी देर के लिए बस सामने में ही जो ग्राउंड है बस वहीं पे मैं ले जाती हूँ, खुद भी जाती हूँ उस टाइम पे ताकि बच्चे कुछ भी चीज़ टच ना करे। आप चाहें तो हाथ में सैनिटाइजर का बॉटल और एक बॉटल मैं पानी का लेके जाती हूँ, क्योंकि बच्चे हैं कब पानी मांग लेते हैं पता नहीं चलता, तो हम अपना एक पानी का बॉटल और सैनिटाइजर लेकर के अपना जाते हैं साथ में, और बच्चे थोड़ी देर खेलते हैं धूप में। बच्चे को एक्टिव रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर उसको बंद रखेंगे ना गाइस तो वो ऐसे ही उनके अंदर जो है वो प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। बच्चा एक ही चीज़ हमेशा देखता रहेगा तो उसकी आइज़ जो है वो कमज़ोर होना ज़रूर स्टार्ट हो जाएगी। बाहर जाएंगे, बाहर का थोड़ा सा हवा लगेगा उनको, बाहर में ग्रीन प्लांट्स देखेंगे वो, तो उससे उनकी आइज़ बहुत ज़्यादा फ्रेश फील करती है गाइस, तो बाहर भी ले जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट जो हमें करना चाहिए गाइस, जो हमने भी अभी स्टार्ट कर दिया है बट इसका कोई फिक्स टाइम हमने अभी नहीं किया है, रुद्र कभी शाम में भी करता है कभी सुबह में भी करता है, वो है एक्सरसाइज। आइज का प्रॉपर एक्सरसाइज आता है गाइस, तो वो आप जरूर करवाइए। कुछ खास नहीं होता है, बस जैसे कि आप कभी भी कह सकते हो, जैसे मैंने पाम वाला ही बताया ना, वो भी एक एक्सरसाइज है। बच्चा दोपहर को सो के उठा उस टाइम पे करवा दो, सुबह उठ रहा है उस टाइम पे करवा दो, और बहुत सारे एक्सरसाइज है गाइस, इसके वीडियोस में ज़रूर लाऊंगी जो हाल फिलहाल में हमने रुद्र के साथ स्टार्ट किया है, बहुत ईजी है जो बच्चे आराम से कर सकते हैं, अराउंड 4-5 साल का बच्चा तो आराम से कर सकता है। मेरी बेटी अभी 2.5 साल की है, अभी वो 3 की होने वाली है, तो वो भी कर लेती है मजे से, तो ज़रूर करवाना चाहिए। कुछ खास एक्सरसाइज नहीं है, बस पाम रब करने वाला ही हो गया। फिर ना बच्चे को आप कहो कि बेबी आप 10 टाइम्स आइज को ना ब्लिंक करो, तो वो करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, फिर थोड़ी देर के लिए रिलैक्स करो, फिर ब्लिंक करवाओ। ये एक्सरसाइज है गाइज, एंड रियली इससे फ़ायदा होता है। इसके अलावा भी बहुत सारे एक्सरसाइजेज हैं जिसकी वीडियोस में जल्दी ही आपके लिए लेकर के आऊँगी। रुद्र को करवाते हुए ही ला सकती हूँ, ऐसा भी होगा। अगर आप लोग को चाहिए तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, फिर मैं उसकी वीडियोस भी लेके आऊँगी। उसके बाद जो हम अपने बच्चों के साथ करना चाहिए गाइज वो है, जैसे आप अगर बच्चे को बाहर नहीं भेज रहे हो ना, तो आप क्या करोगे, कोई भी ग्रीन प्लांट लेके आना, इंडोर प्लांट जो भी होता है, एंड बच्चे को कहना कि तुम 5 मिनट तक बिल्कुल पलक को ब्लिंक किए, बिना पलक को चिपकाए हुए बिल्कुल तुम यूं ऐसे उसको देखो,
दो मिनट तक तुमको, जी या फिर तुमसे जितनी देर बन पड़ता है तुम यूं करके थोड़ी देर के लिए उसको देखते रहो, बिल्कुल एक टक से जिसको देखना कहते हैं देखो। पता क्या, ये भी बहुत अच्छा एक्सरसाइज होता है। बहुत सारे डॉक्टर्स जो होते हैं जिनको भी आईज की प्रॉब्लम्स होती है ना, उसको दो चीज जरूर करने के लिए कहते हैं। एक तो होता है डाइट सही करना, उसमें आप येलो फूड जितना खा सकते हो। मुझे याद है मेरे एक भाई को आईज की प्रॉब्लम हुई थी, तो उसको डॉक्टर ने कहा था येलो फ्रूट्स जितना खा सकते हो, पीता खाओ, ऑरेंज खाओ, मतलब येलो फ्रूट्स में आता है तो वो सब कुछ आप खाने को कहता है। और दूसरी चीज कहता है आप ग्रीन प्लांट्स को देखो, ग्रीन प्लांट्स पे या फिर ग्रीन ग्रासेस पे चलो। ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है गाइस। तो आप ग्रीन प्लांट्स को ही बच्चे को दो मिनट के लिए ऐसे देखने के लिए कह सकते हैं कि बिल्कुल पलक को झपकाए हुए तुम उसको देखो, ठीक है गाइस। ये करना बहुत ज्यादा जरूरी है। फर्स्ट में जो हमें ध्यान देना चाहिए गाइस एंड बेहद जरूरी है, वो है 20-20-20 का रूल फॉलो करना। अब आप सोचोगे कि 20-20-20 का क्या रूल होता है भाई? तो सिंपल सी बात है कि बच्चे को जब आप टीवी दिखा रहे हो तो आप उसको कहो कि तुम 20 फीट से देखो। 20 फीट मतलब 20 फीट से ही देखना है बच्चे, आपको नजदीक जाके नहीं देखना, इससे आपके आईज में प्रॉब्लम होगी। बच्चे को क्लियरली आपको ये बात समझाना है, ठीक है। उसके बाद 20 का मतलब होता है कि 20 मिनट से आपको टीवी देखना है गाइज। एक बार में आपको स्क्रीनिंग, चाहे आप लैपटॉप पे काम कर रहे हो, चाहे आप टीवी देख रहे हो, चाहे आप मोबाइल पे काम कर रहे हो, 20 मिनट्स के बाद आपको ब्रेक लेना ही लेना चाहिए गाइज। एंड नेक्स्ट 20 का जो मतलब होता है वो होता है कि 20 सेकेंड्स का ब्रेक जरूर चाहिए। मिनिमम 20 सेकेंड्स का ब्रेक आपको लेना चाहिए लैपटॉप से, टीवी से, मोबाइल से, जो भी आप कर रहे हो उससे आपको 20 मिनट्स तक देखो, पर उसके बाद आप 20 सेकेंड्स का ब्रेक लो गाइज। तो यही है 20-20-20 का रूल कि 20 फीट की दूरी से देखना है, 20 मिनट से देखना है एंड 20 सेकेंड्स आपको ब्रेक लेने हैं गाइज। तो अगर ये रूल फॉलो करोगे ना गाइज, तो डेफिनेटली आपके आईज में, आपके बच्चों के आईज में प्रॉब्लम्स आना बहुत कम हो जाएंगे गाइज। क्योंकि आज कल हम चाहे कितना भी कोशिश कर लें, बच्चा टीवी देखेगा ही देखेगा, लैपटॉप देखेगा। इसका रीजन मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि हम देखते तो हमारे बच्चे कैसे छोड़ देंगे। और चूंकि हमें काम होता है लैपटॉप पे, तो हम तो करेंगे ही करेंगे। बच्चा ये चीज नहीं समझेगा ना, वो भी हमारे साथ देखना चाहेगा। तो होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है, हुई होगी, बिकॉज आईज से लेकर के तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आजकल चल रही हैं। तो अगर हेल्पफुल है गाइस, तो जैसा कि मैंने पहले कहा, प्लीज इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर इसके अलावा भी कुछ और हो सकता है आई साइट को बढ़ाने के लिए या फिर उसको ठीक करने के लिए, तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम वो भी ट्राई करेंगे अपने छोटे बच्चों के साथ। किड्स रिलेटेड जो भी आपको लगे प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कीजिए, और कुछ क्वेरीज हो, कुछ क्वेश्चन हो, तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में कीजिए। मैं कोशिश करूंगी सारे कमेंट का अच्छे से आंसर कर सकूं, सही से आंसर कर सकूं। जो भी मैंने आपको अभी बताया है, जो 9-10 पॉइंट्स मैंने आपको बताया है, वो सारा पॉइंट्स मैं यहाँ साइड में फिर से इसको लिख रही हूँ, ताकि आप लोग उसको चेक कर लेना कि आप कौन सा चीज कर रहे हो फॉलो और कौन सा चीज आप नहीं कर रहे हो, तो उसको वापस से दोबारा फॉलो करना गाइज। ओके गाइज, बाय, टेक केयर, लव यू, बाय।